हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्योरोंग ब्रिज के बारे में। ये देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है। जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसकी लोकेशन काफ़ी खास है, डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, वेरियस एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ब्रिज है, और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी लंबा ब्रिज हो, पहला ब्रिज हो, डेफिनेटली आने के चांसेस उसके हाई होते हैं। अब देखो, हम यहाँ पे जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जनवरी 2019 में एक और ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था नॉर्थ ईस्ट में। इसका नाम है डिफो ब्रिज, DIFFO ब्रिज। तो आपसे यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि डिफो ब्रिज रिसेंटली किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मेघालय। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो रिसेंटली 2019 के जनवरी महीने में जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, पेमा खांडू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज को, जो है सियांग नदी के ऊपर। सियांग नदी आई एम श्योर आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है थ्रू चाइना, तो अरुणाचल में उस वक्त वहाँ पे उसको सियांग कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ही पास में, एक्चुअली ऊपर नहीं है ये ब्रिज, इस तरीके से है नदी, ये भैरी है, इसके साथ में यहाँ पर ब्रिज बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्रॉसिंग ब्रिज है, ये बेसिकली उसके बैंक पे ब्रिज है। ऑलराइट, अब वैसे आप सोचेंगे कि ठीक है, ये नया ब्रिज आ गया। 2018 में ब्रिज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, एक रेल रोड ब्रिज बना, एक सबसे लंबा ब्रिज बना। तो ये मैं क्लियर कर दूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ नोट्स हैं आपके लिए। दो और ब्रिज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। धोला सदिया ब्रिज काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, 9.15 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये, और ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। ऑलराइट, क्वेश्चन आता है ना अगर कि इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा होगा, आपका आंसर ये है, और बहुत ही लंबे समय तक आंसर ये रहने वाला है। इसका जो तोड़ होगा, इससे जो बड़ा ब्रिज बनेगा वो 2020 में बनेगा। तो 2019 के प्रीलिम्स के लिए तो कम से कम आप आराम से ये याद रख सकते हैं, 2020 के बाद इसकी जो लेंथ है उसको चुनौती दी जाएगी एक नए ब्रिज द्वारा। तो ऑल टुगेदर ब्रिज की कैटेगरी में सबसे ऊपर ये हो गया। अब ब्रिज में भी वेरियस आपको पता है क्लासिफिकेशन होती है कि ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये रेल रोड ब्रिज है, मतलब कि ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पर सड़क भी है, रेलवे लाइन भी है, वहाँ पर रेल गाड़ी भी गुजर सकती है। तो वो ब्रिज है बोगीबेल ब्रिज, ये आपको मिलेगा आसाम में। बोगीबेल ब्रिज की टोटल लेंथ है 4.94 किलोमीटर, और ये इंडिया का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और जिस ब्रिज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इंडिया का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये 19 जनवरी 2019 के हिसाब से अपडेटेड है, आगे थोड़ा सा चेक करते रहिएगा। वैसे 2019 के एग्जाम तक, प्रीलिम्स तक, ये इन्फॉर्मेशन ही स्टैटिक रहने वाली है, उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स आएंगी। नाउ ब्योरोंग ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। ये 300 मीटर लंबा ब्रिज है, 300 मीटर्स, और ये ब्रिज डिस्टेंस कम करेगा यिंग कोइंग और तोतिंग एरिया का इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो लोकेशन है ये बहुत खास है, अरुणाचल प्रदेश का जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है, जो चाइना की बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर यह ब्रिज बनाया गया है। ये जो पहले दो एरिया हैं, इनका जो डिस्टेंस था पहले 190 किलोमीटर्स के आसपास था डिस्टेंस इनका, अब ये कट होकर सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया है। तो जो टोटल कॉस्ट आई है इस ब्योरोंग ब्रिज की, ये है 48.43 करोड़ रुपीज़। और ये जो फंड्स इस ब्रिज के लिए आए हैं, ये ग्राम सड़क योजना के अंडर आए हैं। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। एज यू कैन सी, आपको दूर से लग रहा होगा कि ये ब्रिज बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। सो एज यू कैन सी, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये जो एक नदी वहरी है, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ऑलराइट, जब ब्रह्मपुत्रा नदी चाइना के थ्रू इंडिया में एंटर होती है, तो उस वक्त इसको कहा जाता है सियांग नदी। और सियांग नदी के किनारे पे आपको दिखेगा ये एरिया टूटिंग। ऑलराइट, ये है टूटिंग, काफ़ी बड़ा एरिया है ये, यहाँ पे रिवर के इस पार भी है,
और नीचे यहाँ पे आपको दूसरा एरिया दिखेगा, ये है यिंग कियोंग। ऑलराइट, तो ये काफ़ी बड़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे इनका नाम नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहीं तक सीमित है। तो इस एरिया में यहाँ पर बनाया गया है वो ब्रिज। वो ब्रिज वैसे अभी काफ़ी मैं कहूँगा अपडेट हुआ नहीं है मैप में, सो यहाँ पे आपको प्रॉपरली इस वक्त दिख नहीं रहा होगा। बाकी काफ़ी आप देखोगे पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे कनेक्टिविटी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे एरिया में ये ब्रिज बनाना इट इज़ क्वाइट एन इम्प्रेसिव फीट। उसके अलावा देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। पहली बात तो यहाँ पे जो जनसंख्या है काफ़ी कम है, 20,000 के आसपास जो लोग हैं दोनों लोकेशंस पे, वो आराम से ट्रैवल कर पाएंगे और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, वो सब अपनी जगह है। मगर ये मिलिट्री के लिए काफ़ी अच्छा है, मिलिट्री चाहे तो इस एरिया से इस एरिया में बहुत ही जल्दी पहुँच सकती है। जो ट्रैवल करने का टाइम है रेडिकली कम हुआ है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना क्लेम करता है, दे बिलीव दैट इट इज़ पार्ट ऑफ तिब्बत। तो इस वजह से इंडिया पिछले 3-4 साल में इस पर्टिकुलर लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं कि ये किस टाइप का ब्रिज है। इसका नाम काफ़ी लंबा है, सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज। देखिए पहले तो इसमें से सिंगल लेन हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंगल लेन मतलब कि एक ही इसकी सड़क होगी। ये आपके सामने एग्जाम्पल है स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का, ये यूएसए का ब्रिज है और आप देखोगे इसकी मल्टी लेन है, मतलब कि 3-4 लेन है इसकी, तो इसे हम सिंगल लेन नहीं कह सकते। तो सिंगल लेन आप समझ गए, बस एक ही सड़क होगी उसकी। अब फिर बात करते हैं स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज की। तो देखो सस्पेंशन ब्रिज बहुत टाइप के हो सकते हैं, ये स्टील मेटल किसी भी चीज़ का बन सकता है। तो सस्पेंशन ब्रिज के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्रिज इन विच द डेक, मतलब कि जो लोड बेयरिंग पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन है जिस जहाँ पे लेन गुजरती है, जहाँ से व्हीकल्स गुजरेंगे, इज हंग बिलो द सस्पेंशन केबल। जो सस्पेंशन केबल होती है ये चीज़ इसके नीचे लटका होता है ऑन वर्टिकल सस्पेंडर्स, और इसमें बहुत ही एक खास टाइप का इंजीनियरिंग मॉडल यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बार आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज यूज़ किया गया था 1801 में और इस डिज़ाइन को इन्वेंट किया था जेम्स फिनले ने। उसके बाद से दुनिया भर में यूज़ किया गया है। इंडिया में हम पहली बार देख रहे हैं कि हमने एक सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, वो भी अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन में, इसलिए ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना क्लेम करता है इस पूरे एरिया को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे हम बहुत से ब्रिज बनाएं जो भी यहाँ पे सड़कों की नीड है। अभी रिसेंटली सरकार ने ये भी बोला है कि 44 स्ट्रेटजिक रोड्स बनाएंगे इंडो चाइना बॉर्डर पे, वहाँ पे हम इस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सिक्किम की बॉर्डर की भी बात कर रहे हैं, और जो अक्साई चीन के आसपास का एरिया है वहाँ पर भी, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड थिंग, और आने वाले टाइम में ऐसे और ब्रिज आप बनते हुए देखेंगे, मगर ये ब्रिज खास इसलिए है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वापस आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे कि जो डिफो ब्रिज है रिसेंटली न्यूज़ में था, इसे किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो दो ब्रिज हो गए जिसकी हमने पहले बात करी थी, ब्योरंग ब्रिज और डिफो ब्रिज, दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो का जो आपको PDF में मिल जाएगा। किस रिवर पर है ये है चीपू रिवर पर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिफो ब्रिज की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।